मदर ऑफ ऑल बैटल्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और कहते हैं विराट के एक तरह से वो फेवरेट ऑपोजिशन है, चाहे वो अंडर प्रेशर में हो या वो चेज करे बैटिंग फर्स्ट हो, क्या कैसे देख रहे हैं कल के मैच को? बड़ा मैच है और पूरा इंडिया इस मैच को देखता है, पूरा वर्ल्ड में कहूंगा इस मैच को देखता है, बहुत बड़ा मैच है और सभी क्यूरियस होते हैं एंड एवरी इंडियन वॉन्ट्स कि हम ये वाला मैच जरूर जीते और कोई जीते या नहीं जीते। तो जहां तक बात विराट की है, विराट ने हमेशा अच्छा किया पाकिस्तान के अगेंस्ट और मैं आशा करता हूं कि कल के मैच में भी वो उसी तरह अपनी फॉर्म कंटिन्यू करेगा जैसे वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है और आई एम वेरी श्योर कि ही विल डू वेल। ये विकेट जो पिचेस हैं थोड़े से ट्रिकी नजर आ रहे हैं, आईसीसी ने भी बोला है, लेकिन बट विराट जिस तरह से गेम है और रहा है ऑफ लेट, उनका फॉर्म भी रहा, आईपीएल में कैप जीता उन्होंने, उस हिसाब से देखा जाए तो इन कंडीशंस में भी विराट को लगता नहीं है कोई ज्यादा दिक्कत होगी वंस ही गेट्स सेट इज फाइन। देखिए विराट एक ऐसा बल्लेबाज है जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, बट अच्छा टेम्परामेंट है एंड वो अडेप्टेबिलिटी जो है उसकी, वो किसी भी विकेट पे बहुत अच्छे से अडेप्ट करता है, ही अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसी डिफिकल्ट विकेट पे और ज्यादा वो मुझे लगता है कि कॉन्शियस होकर खेलेगा और वो जानता है कि उस विकेट पर उसका खड़ा होना बहुत जरूरी है और जैसा उनका उसका टेक्निक है तो आई थिंक ही विल बी वेरी यूजफुल फॉर द टीम। सर आप इस डिसीजन से तुम्हें विराट ओपन करें क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने ओपन किया, जो बात भी चल रही है कि विराट शुड ओपन करोगे? देखिए T20 में कहा जाता है कि जो बेस्ट प्लेयर है वो जितना ऊपर खेले, जितनी उन्हें मैक्सिमम बॉल्स मिले उतना अच्छा है और विराट के लिए तो थोड़ा सा अच्छा भी है कि वो थोड़ा सा सेटल होता है और फिर उसके बाद लंबा एंड तक खेलता है तो वो एक तरह की सॉलिडिटी देता है टीम को, एक एंड सेफ है आप उनके अराउंड खेलते रहिए और अब तो उनके अराउंड क्या वो खुद ही 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है आजकल, तो जितना बेटर प्लेयर है जितना ऊपर खेले इफ ही इज कंफर्टेबल, इफ द प्लेयर इज कंफर्टेबल तो ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्टेस्ट मजेदार होगा, शाहीन वर्सेस विराट, नसीम वर्सेस विराट, आमिर वर्सेस विराट, विराट आमिर की तो पुरानी भी राइवल रही है, फ्रेंडशिप राइवल दोनों रही है। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैच हल्का नहीं होता, प्रेशर गेम तो जरूर होता है और जो भी टीम अपने नर्व्स पे ज्यादा कंट्रोल रखती है वही जीतती है। करंट फॉर्म को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत एक बहुत सुपीरियर टीम है लेकिन आप पाकिस्तान को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि दे ऑल्सो कम वेरी हार्ड ऑन अस एंड उनका भी यही इंटेंशन होता है कि हिन्दुस्तान से नहीं हारना है, जो कि भारतीय फैंस का भी होता है कि हमें पाकिस्तान से नहीं हारना है। सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मदर ऑफ ऑल बैटल्स एंड विराट आल्सो विराट्स फेवरेट ओपोनेंट पाकिस्तान, हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्टेस्ट? Well, this is a very big match and the whole world is looking forward to this, as am I. So, I mean, everybody wants India to win, all the Indian fans wants to win. Talking about Virat, I think he has done very well against Pakistan. I would say his favorite team is Pakistan and Australia because he always loves challenges and he has been doing it for last so many years that he always performs very well against the tough oppositions. And Pakistan, as we all know, is considered to be the toughest opposition for India. It's a great rivalry, you know. So I'm very hopeful that he'll keep his record going. And he'll do well again tomorrow. Pitches are a little tricky on the slower side, and even ICC said the pitches aren't the best. But Virat, the kind of technique he has, he can be vital for India because of the technique he has and survive on those conditions. The best thing about Virat is that he has got a solid technique, you know. He has got a very good temperament, everybody knows. But talking about technique, he has got tremendous technique. He knows how to tackle any sort of bowling. And the type of adaptability he has, he adapts so well against any opposition and against on any surface. I think he's going to do well. And since he also knows his responsibility for the team, that he's a senior guy and he has to take the responsibility in the big game. And sir, talking about battles within the battles, Shaheen to Virat, Amir to Virat, and of course Naseem Shah, youngster Rahil Shah to Virat, it will be a good contest. Yeah, it is. Pakistan has always been a good opposition and, you know, they really come hard against India and so India do against them. And it is a battle of nerves and we all know Virat is very strong mentally. He enjoys, he enjoys challenges and he has done it in the past and I'm very confident that he'll do well tomorrow as well. And sir, should Virat open? Everybody is, I think, because last match he opened and everybody was saying Virat should open.
I think it is a team management decision, but as everybody says that in T20 the best player should play the maximum balls. So I think he is the best player in Indian team, and I mean if he plays long inning, that would be better for the country and for the team also, because he keeps one and safe and with the good strike rate. So he's always a asset, you know, when he opens the innings.